वेलकम टू सागर रोबोटिक्स। आज के इस वीडियो में हम एक बाइक मोबाइल चार्जर बनाने वाले हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस बाइक मोबाइल चार्जर को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक 7805 नंबर का आईसी ले लिया है। उसके बाद मैंने एक एल्यूमिनियम का पतरा ले लिया है, जो कि मैंने अपना जो टेबल फैन रहता है उसके पंखुड़ी से कट कर लिया है और उसमें एक होल डाल दिया। उस होल के ऊपर मैं इस आईसी को बिठाने वाला हूँ इस तरीके से, और उसके बाद उसमें एक नट बोल्ट लगा दूंगा ताकि ये यहाँ पे अच्छे से बैठ जाए। ये आपको एल्यूमिनियम के फॉइल पे या किसी पत्रे पे ही लगाना है, क्योंकि ये जब वर्क करता है तो बहुत हीट होता है, इसलिए इसको हीट सिंक लगाना जरूरी है। उसके बाद मैं इस नट को पीछे से कट कर डालूंगा। तो मैं इस नट को पहले अच्छे से फिट कर देता हूँ, तो मैंने इसे अच्छे से फिट कर लिया। अब मैं इसे पीछे से जो ज़्यादा वाला पोर्शन है उसे कट भी कर लिया। उसके बाद मैंने एक USB फीमेल जैक ले लिया, उसको दो वायर सोल्डर कर दिए, एक ब्लू और रेड। तो ये ब्लू निगेटिव के लिए है और रेड पॉजिटिव के लिए है। तो अब मैं इस निगेटिव वाले वायर को इस IC के सेंटर टर्मिनल पे सोल्डर कर देता हूँ। तो मैंने इसे सेंटर टर्मिनल पे ब्लू वाली वायर को सोल्डर कर दिया, और जो रेड वाली वायर है हमारी USB फीमेल जैक की, उसे मैं आउटपुट के मतलब थर्ड नंबर के पिन पे सोल्डर कर देता हूँ। तो मैंने उसे भी कर लिया। उसके बाद मैंने ऐसे दो और वायर ले लिए इनपुट के लिए। तो इसकी जो ब्लैक वाली वायर है, उस वायर को मैं इस आईसी के सेंटर के टर्मिनल पे मतलब सॉकेट के ब्लू वाली वायर पे सोल्डर कर दूंगा। उसके बाद जो रेड वाली है, उसे मैं पहले टर्मिनल पे मतलब इनपुट पे सोल्डर कर दूंगा। तो ये कर देने के बाद मैंने एक इंडिकेटर के लिए ग्रीन कलर का LED ले लिया। उसकी बड़ी वाली लेग पॉजिटिव है और छोटी वाली निगेटिव है। तो हमें इसके जो पॉजिटिव टर्मिनल है, उस LED के पॉजिटिव टर्मिनल पे एक 1K का रेजिस्टर लगाना है। तो मैंने इसे सोल्डर कर दिया। उसके बाद थोड़े छोटे छोटे दो वायर के पीस ले लिए हैं। तो एक पीस को मैं रेजिस्टर के टर्मिनल पे सोल्डर कर देता हूँ और दूसरे पीस को LED के निगेटिव में सीधा सोल्डर कर देता हूँ। ये हो जाने के बाद मैंने अपना जो USB फीमेल जैक था, उस पे इस LED को सोल्डर करना है। उसके लिए मैंने जो रेड वाली वायर है USB फीमेल जैक की, वहाँ पे रजिस्टर वाली वायर और LED के निगेटिव को ब्लू में सोल्डर कर दिया। तो हमारा पूरा सर्किट रेडी है, मतलब पूरा तैयार है। उसके बाद मैंने एक इस तरीके का पुराना मोबाइल चार्जर ले लिया, उसके टर्मिनल कट कर लिए और यहाँ पे होल डाल दिए, एक इंडिकेटर के लिए और दूसरा वायर को बाहर निकालने के लिए। तो मैं इसे यहाँ पे ऐसे लगा दूंगा। तो ये जो वायर है, उसे हमें इस पीछे वाले होल से बाहर निकाल लेना है। उससे पहले मैं यहाँ पे एक गांठ लगा लेता हूँ, जहाँ ये वायर खींचने पर हमारा सर्किट ना टूटे। तो इसके बाद मैं इस एल्यूमिनियम के पतरे को इसके अंदर मतलब हीट सिंक को और आईसी को इसके अंदर ऐसे लगा दूंगा। ये अच्छे से बीट रहा है यहाँ पे, देखो मैंने इसे भी लगा दिया है। अब हमें सिर्फ ये जो USB सॉकेट है, इसे यहाँ पे लगाना है। उससे पहले हमें जो इलेक्ट्रिक टेप होता है, उसे लगा देना है। तो उस इलेक्ट्रिक टेप का लगाने का मकसद सिर्फ यही है कि सर्किट में कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। मैं अपनी चैनल पे इसी तरीके से वीडियो डालता रहता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। तो मैंने ऐसे पूरे इलेक्ट्रिक टेप के पीस लगा लिए है। हमारे इस सॉकेट को भी इलेक्ट्रिक टेप लगा देना है, ताकि ये अंदर लगाने पर शॉर्ट सर्किट ना हो। और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक टेप लगा लेता हूँ इसके ऊपर, तो मैंने लगा दिया। और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक टेप इस सॉकेट के ऊपर, और ये हो जाने के बाद मैं जो एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रिक टेप है, उसे सीजर की सहायता से कट कर लूंगा। उसे कट करने के बाद जो हमारा ये अगला वाला एरिया था, उसमें USB सॉकेट को मैं हॉट ग्लू की सहायता से यहाँ पे अच्छे से लगा दे रहा हूँ। आप देख सकते हो, ऐसे आपको इसे लगा देना है। उसके बाद ये जो इंडिकेटर वाला ग्रीन LED है, उसे भी मैं इस होल से बाहर निकाल लेता हूँ। तो हमारा चार्जर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो मैं इसको ऐसे फिट कर लूँगा, ये अच्छे से लग जाता है, ये इसका ही होता है। तो ये हो गया, ये हमारे इनपुट के वायर है और इस USB जैक से हमारा 5 वोल्ट आउटपुट मतलब मोबाइल चार्ज होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप इससे बड़ा मोबाइल चार्ज करना चाहते हो या ज़्यादा फास्ट चार्ज करना चाहते हो, तो आप उस एक IC की जगह पे 2 IC का इस्तेमाल करना। तो मैं अब आपको इसे बाइक की बैटरी जो 12.4 वोल्ट की होती है, उस पर टेस्ट करके बताता हूँ। तो उस बैटरी को एजन रेड वाली वायर है, वो पॉजिटिव में हमें लगा देनी है।
आप अगर बाइक में फिट करना चाहते हो तो उसे भी ऐसे ही करना होगा। आपको जो बैटरी के पॉजिटिव है उसमें इस चार्जर की रेड वायर को लगा देना, और जो चार्जर की हमारी ब्लैक वाली वायर है उसे बैटरी के निगेटिव में लगा देना। और आप इसके अंदर स्विच लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। अगर आपको ये फिट करना नहीं आता बाइक में तो आप गैराज में जाके भी उसे कुछ थोड़े बहुत पैसे देके इसे बाइक में फिट कर सकते हो। तो हमारा चार्जर चालू हो चुका है, हमारा ग्रीन LED दिखा रहा है कि पावर आ रही है। अब मैं आपको इस पे मेरा मोबाइल चार्ज करके बताता हूँ। तो उसके लिए मैंने अपनी ये जो नॉर्मल USB टू माइक्रो USB कॉर्ड होती है वो ले ली है, उसका जो USB वाला एंड है उसे मैं अपने ये जो चार्जर बना है उसके USB फीमेल जैक में लगा देता हूँ। तो ये मैंने लगा दिया। अब जो दूसरा वाला एंड है वायर का वो मैं मोबाइल में लगा देता हूँ। तो उससे पहले मैंने वायर निकाल ली, तो अब लगा दी। देख सकते हो आप, इंडिकेटर शुरू हो गया है। अब हमारा मोबाइल भी चार्जिंग शुरू हो चुका है। देखो ये अच्छे से मोबाइल को चार्ज कर रहा है। लेकिन अगर आप इसे फास्ट चार्ज करना चाहते हो तो 2 IC का इस्तेमाल कीजिएगा। निकालने पे बंद हो जा रहा। देखो अब चार्जिंग शुरू हो जाएगी। हो गया शुरू, ये अच्छे से वर्क कर रहा है। आप इसे अपने बाइक में या कार में फिक्स कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। मैं आपको मिलता हूँ इसकी अगली वाली वीडियो में।